वेलकम अगेन गाइस, वीडियोस आप देख रहे होंगे, मज़े ले रहे होंगे और सीख भी रहे होंगे। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्टर के बारे में। लास्ट वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसके अंदर हमने ये बताया हुआ है आपको कि कैसे सनलाइट का यूज़ करना है। और आज मैं बताऊँगा कि सनलाइट के अगेंस्ट में जब शूट करते हैं तो एक रिफ्लेक्टर कैसे यूज़ आप कर सकते हैं। सो गाइज, मेरा नाम है ध्रुविन जैन फ्रॉम DSLR Academy। स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ कि एक रिफ्लेक्टर का यूज़ कितना इंपॉर्टेंट है एक फोटोग्राफर्स के लिए। आप हैवी लाइटिंग का सेटअप, कैमराज, किट सब कुछ अपने साथ ले जाते हैं अगर एक प्री वेडिंग करते हैं या वेडिंग पोर्ट्रेट्स अगर आप शूट करते हैं, बट अगर आप एक डिफ्यूज़र और रिफ्लेक्टर अपने साथ नहीं रखते तो वो एक प्रोफेशनल टच जो आना चाहिए वो नहीं आ पाता, क्योंकि ये दो चीज़ बहुत सस्ती मिलती हैं बट कितना बड़ा रोल निभा देती है अपनी फोटोग्राफी में, ये आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। सो गाइज, रिफ्लेक्टर क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि रिफ्लेक्टर कैसे अपन को हेल्प कर सकता है। एक नॉर्मल 5-in-1 रिफ्लेक्टर भी आता है बट उसका मैं एज ए डिफ्यूज़र यूज़ आपको मैं बताऊंगा। उससे अलग अलग साइज़ के हमारे पास रिफ्लेक्टर्स होते हैं, जैसे ये बड़ी साइज़ का है, एक साइड वाइट है और एक साइड सिल्वर है। डिपेंड करता है कि आप कितना रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें गोल्डन रिफ्लेक्टर भी आता है कि अगर आप कई बार गोल्ड टोन देना चाहते हैं, जो वार्म टोन होता है वो क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप गोल्डन रिफ्लेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे आपको वाइट और सिल्वर रिफ्लेक्टर का यूज़ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, जिससे आप अपनी इमेजेस को बहुत ही बेटर बना सकते हैं। इवन यहाँ तक कहूँ कि अगर आप एक लाइट यूज़ करते हैं, कई सिचुएशन में आपके पास अगर बैटरी पावर बैंक वाली लाइट जो आप यूज़ करते हैं, अगर उनका बैटरी ऑफ हो जाता है या डाउन हो जाता है, तब आपके पास अगर कुछ नहीं है तो ये रिफ्लेक्टर आपकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि इसकी बैटरी कभी डाउन नहीं होगी क्योंकि ये बिना बैटरी से चलता है। सो प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या आपको हेल्प कर सकता है आपकी फोटोग्राफी को बेस्ट बनाने में। सो ये प्रैक्टिकल सेशन में जो हमारी मॉडल हेल्प करने वाली है, उनका नाम है इशिका। सो इनवाइट करता हूँ मैं, जो हमको हेल्प कर रही हैं ये वीडियोज़ बनाने में, आगे कई वीडियोज़ में हमारे साथ मिलेंगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल सेशन। सो अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली कि कैसे रिफ्लेक्टर का यूज़ करना है, और उसका मेन पॉइंट जो है कि रिफ्लेक्टर को यूज़ करते वक्त आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हैं रिफ्लेक्टर को होल्ड करते टाइम। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम सन के अगेंस्ट लाइट शूट करते हैं तो हमको अच्छे से रिम लाइटिंग मिलती है, हेयर लाइटिंग बहुत प्रॉपर मिलती है। ये तो मेरा एकदम अभी दिन का टाइम है इसलिए सनलाइट एकदम हार्ड है, बट अगर यही चीज़ आप इवनिंग या मॉर्निंग में कैप्चर करते हैं तो आपको ये पूरा का पूरा गोल्डन इफेक्ट मिल जाएगा, जिससे आपके हेयर्स एकदम गोल्ड टच में आपको मिल सकते हैं। तो हमेशा ध्यान ये रखना है, प्रोफेशनल अगर फोटोग्राफर्स हैं तो एक चीज़ सिंपल सा फंडामेंटल दिमाग में रखें कि अगेंस्ट लाइट शूट करें, ताकि आप एक लाइट से दो काम कर सकें, स्मार्ट काम कर सकें कि सनलाइट को बैक बनाएं, और फ्रंट अगर आपका थोड़ा सा डार्क आता है तो अगर आपके पास ऐसा रिफ्लेक्टर नहीं है तो आप एक्सपोजर कंपनसेशन को प्लस कर सकते हैं, अदरवाइज आप रिफ्लेक्टर का यूज़ करके बहुत क्रिएटिव इमेजेस बना सकते हैं। बट अब इसको यूज़ करने का मेन तरीका, नॉर्मली रिफ्लेक्टर लोग परचेज़ कर लेते हैं, अभी कुछ सालों में लोगों ने यूज़ करने का तरीका भी सीखा है, बट सबसे रॉन्ग तरीका ये है उसके अंदर कि वो यूज़ करते हैं ये बॉटम तरीके से। अब आप कभी खुद एक बार ट्राई करना कि जैसे ही रिफ्लेक्टर अगर आप बॉटम में खुद के लगाएंगे तो क्या होगा कि वो आंखों में बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, और बॉटम लाइट जो होती है वो हॉरर इमेजेस के लिए यूज़ होती है, जिससे वो नोज़ का शेडो अपर साइड आता है वो कम्प्लीटली हॉरर शेडो देता है, तो वो हमको कभी यूज़ नहीं करना है। बॉटम रिफ्लेक्टर आपको कभी यूज़ नहीं करना है। हाँ, अगर आप बॉटम यूज़ करना चाहते हैं किसी सिचुएशन में तो सिल्वर की जगह आप वाइट यूज़ करें कि रिफ्लेक्शन प्रॉपर मिलेगा, बट अगर आपकी मॉडल की आइज़ में वो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगा तो आपको रिजल्ट्स बेटर मिलेंगे। बट अगर आपको कई बार इक्वल लाइटिंग जैसा इफेक्ट देना है तो आप क्या कर सकते हैं कि सिल्वर को आप एज ए बॉटम यूज़ नहीं करके, ठीक है, इसको आप अप साइड से यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे ही आप ये यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि आपको प्रॉपर स्टूडियो लाइटिंग इफेक्ट ही देगा। आपको यहाँ पे ध्यान ये देना पड़ेगा कि कैसे आप रिफ्लेक्टर का मूव कर सकते हैं और डायरेक्ट सनलाइट आप यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे से, तो आपका फ्रंट लाइटिंग भी आपको मिल जाएगा और आपको बैक लाइटिंग भी मिल जाएगा। अब मैं आपको कुछ इमेजेस कैप्चर करके दिखाता हूँ कि एक रिफ्लेक्टर से इमेजेस के अंदर लाइव इमेजेस विदाउट एडिटिंग कितना अच्छा इंपैक्ट आता है और कितने ब्यूटीफुल इमेजेस बन जाते हैं फेस कट के साथ। अब मैं आपके सामने क्लिक्स कर रहा हूँ, पहला क्लिक जो होगा वो सिर्फ अगेंस्ट लाइट का शूट होगा, जिसमें ना तो मैं रिफ्लेक्टर यूज़ करूँगा, एक्सपोजर मेरा जीरो पर रहेगा, बट आगे का इमेज थोड़ा सा अंडर दिखेगा। जो ये मेरा पहला इमेज है ये मैंने फोकस किया, देन क्लिक।
अब ये इमेज आप देख पा रहे हैं, इस इमेज में आपने देखा कि मेरे को रिम लाइट तो बहुत अच्छी मिली, हेयर लाइट बहुत अच्छी मिली, बट फेस क्या हुआ, थोड़ा सा अंडर हो गया। तो अगर आप चाहें तो बैक डिफ्यूज़र यूज़ कर सकते हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया, बट यहाँ पर अपन वो चीज़ नहीं करेंगे क्योंकि मेरे को हेयर लाइट चाहिए और वो भी प्रॉपर वे से चाहिए। तो हम आगे रिफ्लेक्टर का यूज़ करके अपनी इमेजेस को और बेटर बनाएंगे। सो अब मैं अगेन AV मोड पर शूट कर रहा हूँ। AV मोड पर क्लिक करके मेरा 2.8 अपर्चर है, देन ये मेरी इमेजेस, फ्रंट देखो मेरी तरफ, यस दैट्स गुड। अब आप देखें इसके अंदर मैं यूज़ करता हूँ रिफ्लेक्टर के साथ अब इमेजेस, जो आपने देखा फेस थोड़ा सा डार्क है। अब एक बॉटम रिफ्लेक्टर वाइट के साथ, नॉर्मली यही चीज होती है कि हम बॉटम रिफ्लेक्टर यूज करते हैं, स्लाइड डाउन, यस। पर जैसे ही आप बॉटम यूज करोगे तो वो आपको हॉरेबल इमेजेस दे देगा, वो मैं आपको यहां पे क्लिक करके भी दिखाता हूं कि सिल्वर रिफ्लेक्टर को अगर आप बॉटम रखते हैं तो क्या होगा। पहले तो वो ओपन नहीं होगी, चिन डाउन स्लाइड, ठीक है। अब आप ये इमेज देखेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, तो आपको नोज़ के ऊपर स्लाइड शेडो मिलेगा, बट आपको ऐसे नहीं होल्ड करके इस रिफ्लेक्टर को टॉप साइड से आपको रखना है। अगर आपको सिल्वर रिफ्लेक्टर यूज़ करना है तो आपको पैटर्न थोड़ा सा बदलना होगा। अपर रिफ्लेक्टर, आपकी रिफ्लेक्टर की पोजीशन हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि सनलाइट वहाँ से टकरा कर यहाँ पर हिट करके और सब्जेक्ट के फेस पे जानी चाहिए, मॉडल के फेस पे जानी चाहिए, तब जाके वो इमेजेस आपकी बेटर कंडीशन में बन पाएगी। सो अब मैं कुछ क्लिक्स करके आपको दिखाता हूँ, यस विद रिफ्लेक्टर इस चीज, यस गुड डन। सो ये इमेजेस आपने देखी जो विद रिफ्लेक्टर थी, और हमेशा ध्यान रहे कि बॉटम रिफ्लेक्टर कभी यूज़ नहीं करना है क्योंकि आपको वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट देगा तो आईज ओपन नहीं होंगी, और सेकेंडरी आपको हॉरर टाइप का इमेजेस आपको मिल जाएगा। इसलिए हमेशा अपर साइड से ही आपको रिफ्लेक्टर देना है ताकि आपकी इमेजेस जो हैं वो बेटर बन सके। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, ये सारी की सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो, ये सारी चीज़ें आप एक बार अप्लाई करके देखना कि बॉटम रिफ्लेक्टर की जगह आप अपर साइड से रिफ्लेक्टर दें, क्योंकि हमेशा आप ध्यान रखें कि अपनी लाइटिंग कंडीशन एक होती है जो सनलाइट हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप बॉटम देंगे तो आप लाइट के साथ अगेंस्ट चले जाएंगे अगेन, तो आपको नोज़ का शेडो अपसाइड मिलेगा। तो ऑलवेज रिफ्लेक्टर ऑन टॉप साइड, सो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ता है। अपने दोस्तों को भी ये ट्रिक सिखाएं और अपनी इमेजेस को बेस्ट बनाने में हेल्प करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन जो आपको दिख रहा है इसको अभी क्लिक करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन आपके साथ इमीडिएट आपको मिलती रहे और आप नॉलेज लेते रहें। थैंक यू सो मच वंस अगेन ध्रुविन जैन फ्रॉम DSLR Academy। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और भी नॉलेज के साथ। सो इस वीडियो में भी हमारी हेल्प करने के लिए मॉडल जो है इशिका, ठीक है। सो जो हमको हेल्प करेंगी वीडियो बनाने में, और तुम्हारा ठीक है वापस आओ, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हैं रिफ्लेक्टर को होल्ड करते टाइम। यहाँ पर मेरे पास एक रिफ्लेक्टर है। वाह भाई वाह, क्या निकला। चलो हाँ सो अब हम